नमस्कार भाइयों, आशा करता हूँ कि मेरे सभी भाई और बहन कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपके एक नई भर्ती के बारे में बताता हूँ, जिस भर्ती का नाम है SSC MTS एंड हवलदार 2023। आज मैं इस भर्ती के बारे में आपको बताऊँगा कि सीटों का प्रीफ्रेंस कैसे रखना है और इन सीटों कौन कौन से स्टेट ऐसे जहाँ आपको फॉर्म नहीं बनने और जहाँ जहाँ आपको प्रीफ्रेंस में पहला बनना, दूसरा बनना, तो आपको टॉप 7 बताऊँगा ऐसे कौन से स्टेट है जहाँ आपको प्रीफ्रेंस या थोड़े अपना फॉर्म भरना। जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिए उनकी अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं भरे तो उनके लिए और अच्छी बात है। पहले इसमें सीट कम थी, लेकिन सीट बढ़ाकर अब 12,523 कर दिया है, तो ये तो और खुशी की बात है आपके लिए, तो ये खुशी की बात है। तो इसीलिए आप दिन रात मेहनत करना कि इसका पेपर बहुत जल्द होगा अप्रैल में। तो आइए इसके बारे में बातें करते हैं। आइए सब बताएं कि इसका एप्लीकेशन स्टार्ट 8/18/2023 से हो चुका है स्टार्ट। कुछ बच्चों ने फॉर्म भर दिया, कोई बात नहीं, लास्ट डेट इसकी 19/2/2023। जिन्होंने नहीं भरा वो ध्यान रखना कि इस डेट को स्पेशल ध्यान देना 19/2/2023 को, क्योंकि ये डेट आपकी लास्ट डेट है। इस डेट के फॉर्म भरने के बाद में यदि किसी बच्चे का माता पिता या सीट प्रीफ्रेंस हमारी वीडियो को सुनने के बाद में यदि किसी ने सोचा कि मैं अपनी प्रीफ्रेंस बदलना चाहता हूँ, तो वो 23 फरवरी को अपनी मतलब सीटों को प्रीफ्रेंस भी बदल सकता है, या कुछ भी आनी पड़ी जो यदि कुछ भी प्रॉब्लम उसकी फॉर्म में हो चुकी है तो वो 23/24 को भर सकता है। फिर आता सीबीटी एग्जाम डेट आपको पता है कि इसका जो पेपर होगा कंप्यूटर वाइज होगा वो भी अप्रैल में, अप्रैल लास्ट तक, इसकी जो अप्रैल के लास्ट तक मानो कि इसकी लास्ट हफ्ते तक इसका पेपर आपका स्टार्ट हो जाएगा। इसका पेपर कम से कम आपके मान लेना इसके पेपर कम से कम 1 या 2 महीने तक चलेगा। इसमें दो तरह के कैटेगरी में बटी हुई है सीट, 18 से 25 और 18 से 27। जो 18 से 25 में जिन्हें फॉर्म भरेंगे उनकी जो सीट है 9,329 और जो 18 से 27 जिन जो इस कैटेगरी में फॉर्म भरेंगे उनकी 2605। अब आ जाते हैं इसकी फीस के बारे में। इसकी फीस जनरल OBC EWS के लिए मात्र 100 रुपये, जनरल OBC EWS के लिए मात्र 100 रुपये, और हमारे जो SC ST भाई और PH और फीमेल है उनके लिए ये फॉर्म फ्री का। 100 रुपये भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, सब फॉर्म भर लेंगे, इसमें कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं। फिर आपकी पोस्ट के बारे में, MTS पोस्ट जो है 11,994, इसकी जो एलिजिबिलिटी है, इसकी एलिजिबिलिटी 10th पास है, बस 10th पास हमारे जो भारत के प्रमाणित संस्था है उनसे होने चाहिए, तो सबकी होती है, लेकिन सब आजकल कोई फर्जी नहीं बनाता, जो फर्जी बनाते हैं वो जेल जाते हैं, इस बात ध्यान रखना कि फर्जी ना होनी चाहिए किसी मार्जिन की। फिर हवलदार के लिए भी 10th पास है, दोनों कोचिंग में से पूछो कि कौन सी भर्ती अच्छी, कौन सी पोस्ट अच्छी है, तो हवलदार पोस्ट इससे कुछ कहते हैं 19-20 के अंदर, तो इससे ये अच्छी है। हवलदार होता क्या है आपको मैं बताता हूँ कि आपने रोड में देखे होंगे या फौजी भाई देखे होंगे जिनके यहाँ पर एक पट्टी से बनी होती है, उन्हें बोलते हैं हवलदार। तो हवलदार के लिए इसके लिए कोई फिजिकल नहीं है, हवलदार के लिए फिजिकल है, तो हवलदार के लिए मेल की 1600 मीटर दौड़ है, मात्र 15 मीटर है। इस दौड़ को कोई बड़ी मैटर नहीं है, कोई मान लेगा इस दौड़ को, बस ऐसा मत करना कि आप 2-3 घंटे रोजाना इस दौड़ के लिए दे रहे हैं। 1515 मिनट में 15 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं, यदि कोई वॉकिंग पैदल भी चल रहा है ना तो वो 1600 मीटर दौड़ पूरी कर देगा। हाइट देखो, हाइट 157.5 हाइट, 90% बच्चे की हाइट इतनी होती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एक होती है चेस्ट, हाँ चेस्ट पर ध्यान देना मुझे, कुछ बच्चे ने क्या होती है चेस्ट में फ्लाव नहीं दे पाते हैं 5 सेंटीमीटर का। चूँ मैं खुद पुलिस एक्स सर्विस मैन उत्तर प्रदेश पुलिस का, तो मैंने काफ़ी बहुत भर्ती में देखा मैंने कि बताऊँ जो ये 5 सेंटीमीटर का जो फ्लाव होता है हर बंदा नहीं दे पाता। क्या होता है कि जो छाती होती है, छाती सही होती है लेकिन उनके जो फ्लाव होता है फ्लाव नहीं दे पाता, तो इसलिए थोड़े बहुत अपने डिप्स मारते रहना, हल्के चने खाते रहना, ये आपकी जो है ना चेस्ट ग्रो कर जाएगी। फीमेल के लिए 1000 मीटर की दौड़ है, बोलो तो 1 किलोमीटर 20 मिनट में, ज़्यादा टफ नहीं दौड़। हाइट 152। अब मैं आपको बताऊँगा कि दो हर स्टेट में सीट, हर स्टेट में सीट है, लेकिन जो चुनिंदा राज्य में है उनके आपको सीट बताता हूँ। जो असम में 216 सीट है, ठीक है, फिर बिहार में 201, उत्तर प्रदेश में 836, हमारा उत्तर प्रदेश, पहलवानों का राज्य हरियाणा में
357, दिल्ली में 2285, राजस्थान में 375, वेस्ट बंगाल दिल्ली वाला 889, पंजाब 489, उत्तराखंड देवभूमि में 518 सीट है और हमारे आंध्र प्रदेश में 162 सीट है। ये मैंने टॉप लिखे जो जहाँ सीट अच्छी है और जहाँ चांस बनता है कि बताऊँ यदि किसी के कुछ नंबर कम रहते तो इन ये राज्य जरूर मिल जाएंगे उसे। महाराष्ट्र में हमारे ध्यानगर है, महाराष्ट्र में 1925, केरला याद रखना कि मैं ऐसे नहीं, मैं आप किसी मन नहीं कर रहा कि यहाँ फॉर्म मत डालना, लेकिन इससे कह रहा हूँ कि यदि इससे थोड़ा दूर रहना, मैं ऐसे नहीं मना कर रहा कि हम फॉर्म आप मत डालना, लेकिन इससे बोलूँ थोड़ा सा इससे हटका रहना मुझे इससे। कर्नाटक में 423, इसके रीजन ये बता रहा हूँ कि आप यहाँ बताऊँ एजुकेशन का रेशो पढ़ लेना, एजुकेशन का लेवल है, इसलिए बता रहा हूँ। मैंने निकल रहा कि वो बच्चा यहाँ नहीं लास्ता कोई भी, लेकिन हाँ आपको पढ़ना कि जनसंख्या वाले चैप्टर में कि हाँ यहाँ का क्या है एवरेज है एजुकेशन का। तमिलनाडु में 589 सीट है और चंडीगढ़ में 187 सीट है। अब मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा टॉप 7 कौन से स्टेट है कि बताऊँ हमें हाँ सीट हम अपने प्रिफ्रेंस में पहला और बाकी 6 डाल लें। तो उसके लिए मैं आपको पहले इनकी जो SC ST OBC EWS है उनकी सीटों के बारे में आपको PDF में बताता हूँ। चलिए देखिए, ये है 18 से 25 वाले के लिए, इस पे ध्यान मत देना, ठीक है। अब चलो देखो, ये हमारा पंजाब में UR कैटेगरी के लिए 115 है और OBC के लिए 86, SC के लिए 26, ST के लिए 23, टोटल कितनी है 277। जम्मू एंड कश्मीर में 155 और चंडीगढ़ में 137 और हिमाचल प्रदेश में 97, हरियाणा में 206 ध्यान रखना, लद्दाख में 2, इसे ध्यान देना, इसे छोड़ देना यदि हो सके। यदि कोई जम्मू लद्दाख का है तो उसे फॉर्म भर दे सकता है, उसे तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब यूँ इसमें दिल्ली देखो, दिल्ली में 2168 सीट है, राजस्थान में 55, उत्तराखंड देवभूमि में 501, टोटल सीट कितनी है 2724 NR में। इसमें देखो उत्तर प्रदेश में, अपना उत्तर प्रदेश में 772, बिहार में 191, टोटल इसमें इतनी। PR में देखो वेस्ट बंगाल में इतने, देखो उड़ीसा में देखो 75, इसमें 16, सिक्किम में 1, यहाँ रहन देना देख लेना, टोटल इसमें इसमें इतनी। असम में 6164 और इसमें देखो मणिपुर, इसमें ये छोड़ो मध्य प्रदेश ये देख लेना, चंडीगढ़ में 157, और देखो इसमें देखो ऑल इंडिया आंध्र प्रदेश में, यहाँ देखो तमिलनाडु में 468 और इसमें चलो केरला में, यहाँ सबसे कम, यहाँ कर्नाटक में सबसे कम गई थी 375, इसे बहुत ध्यान रखना। अब आ जाओ यह नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम, इसमें देखो इसमें जितने ऊपर थे ना सब इसने इकट्ठा एक साथ दे रखा, यहाँ SC की OBC की SC OBC UR कैटेगरी टोटल इनकी ये दे दी इसने यहाँ पे। चलो नीचे चलो, अब आ जाओ इस पर 1827 वाले पे, पंजाब में 212 हैं, इसमें 76 है, इसमें 55, इसमें 42, इसमें 51, 151, 117, 753। अब नीचे चलो देखो, अब आज नीचे आ जाओ, यहाँ देखो लास्ट में UR कैटेगरी टोटल पोस्ट 5401, ओबीसी की 3371, SC की 1515, ST की 924 और EWS की 1312 है, टोटल पोस्ट है हमें 12523। ये OH, HH, VH हैंडीकैप्ट इनके लिए, अदर इनके लिए 82 है, ठीक है। आइए वीडियो में चलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि वह टॉप 7 कौन सी स्टेट है जहां आपको पहले प्रेफरेंस डालना और बाकी 7-6 डालने हैं। सपोज करो जैसे मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, ठीक है, तो मैं पहला रखूँगा अपना, ठीक है। उसके बाद में देखो
उसके बाद में सबसे न्यूनतम कट ऑफ गई थी हमारे कर्नाटक की, आपका नहीं जाएगी। देखो यहाँ तो लैंग्वेज का फर्क पड़ेगा, यदि किसी लैंग्वेज प्रॉब्लम है तो मत डालना, लेकिन सबसे न्यूनतम कट ऑफ गई थी यहाँ की कर्नाटक की, और सबसे हाई गई थी यहाँ की। थोड़ा इससे देख लेना, थोड़ा इससे हल्का बच लेना, बाकी तुम खुद समझ ला रहे हो। सबसे हाई लेवल भी गई थी इसकी। उसके बाद में मैं उत्तर प्रदेश और बाकी जो छः है उनके मैं बताऊँ आपको, उन आगे भी चल लेना कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में आपका नंबर पहला मेरा उत्तर प्रदेश हो गया, दूसरा महाराष्ट्र होगा, तीसरा मेरा कर्नाटक होगा, चौथा मेरा वेस्ट बंगाल होगा, पांचवा मेरा राजस्थान होगा, और हाँ छठा मेरा दिल्ली होगा। याद रखना दिल्ली में फॉर्म सीट ज़्यादा ज़्यादा है, लेकिन फॉर्म बहुत ज़्यादा डालेंगे यहाँ पे, चूँकि राजधानी है। साथ में डालूंगा मैं अपने देवभूमि उत्तराखंड में। इसके बाद में जो बाकी जो है ना दो उसमें तो सीट प्रेफरेंस काफ़ी आएंगी, ये साथ डालने के बाद में और बाकी जो बस्ते अपनी इच्छा अनुसार डाल लेना। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी बात करेंगे किसी और नई भर्ती में। नमस्ते।